अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी, ठंडी ठंडी, और बना के रखी है। और जब दिल चाहे 20 दिन तक के आराम से आप इसे यूज़ कर सकती हैं। और ज़्यादातर तो ये सबकी फेवरेट होती है, वो है फालूदा। देखिए, सबसे पहले एक बाउल में ले लेंगे 1 कप अरारोट, बहुत आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप इसी कप से नाप के डाल देंगे इसमें 3 कप पानी। पहले 1 कप डालेंगे और इसे मिला लेंगे। ये हो गया 2 कप। और ये हो गया 3 कप। मिक्स कर लेते हैं इसे। और इसमें डाल देंगे 3 चम्मच शक्कर के। ये हो गए 3। चलिए इसे भी मिला लेते हैं। देखिए, गैस पे कढ़ाई रखेंगे, अभी गैस को ऑन नहीं करना है। अब इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं। देखिए, पहले गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा, फ्लेम को हाई रख के ही इसे पकाइएगा पहले शुरू में। अभी मैं बताती हूँ किस टाइम पे फ्लेम को लो रखना है आपको। देखिए, जमना शुरू हो गया है इस तरह से, तो आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा गैस की, और इसको चलाती रहिएगा, वरना ही नीचे से लग जाएगा। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये देखिए कितनी जल्दी बनने लगा है, गाढ़ा हो गया है ये। और सही से पकाइएगा, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए किस तरह से हो गया है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल हो रहा है। जब ये देखिए इस तरह से हो जाए, उसके बाद भी 2-3 मिनट तक इसे पकाना है, वरना जो हमारे सीओ जो बनेंगे वो टूटने लगेंगे। ये देखिए हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। देखिए, एक बॉल में पानी लेंगे और उसमें बर्फ़ डाल देंगे, पानी को बहुत ठंडा कर लेंगे। ये है मेरे पास दूध वाली थैली, तो मैं इसी से बताऊंगी, मशीन से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर घरों में मशीन नहीं होती है सीओ बनाने वाली। तो इसे इस तरह से गिलास में रखेंगे और उसमें डाल देंगे। इस तरह से बना लेंगे देखिए, और नीचे से काट लेंगे। अब जितना मोटा रखना चाहती है मोटा रखिए, पतला रखना चाहती है पतला रखिए, और इस तरह से डालते जाएंगे पानी में। और गरम गरम ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर ये ठंडा होगा तो जम जाएगा। अब देखिए, इसे रख देंगे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। देखिए, 15 मिनट बाद ये सेट हो गया है पूरा, ये देखिए। देखिए, सब्जा को मैंने पहले ही भिगो के रखा था। देखिए, अब एक बड़ा प्याला ले लीजिए या भगोना ले लीजिए, क्योंकि रमज़ान में तो हम लोग खूब सारा बनाते हैं, तो एक साथ बना लीजिएगा। अब इस प्याले में डालेंगे सबसे पहले रूह अफ़ज़ा, और डाल देंगे सब्जा। जिस हिसाब से आपको बनाना उस हिसाब से डालिएगा। देखिए, जो दोनों चीज़ें, इसको आप बना के रख लीजिए और किसी भी बॉटल में रख लीजिए, और 15 दिन तक के आप इस्तेमाल कर सकती है, 15 से 20 दिन तक के। अब डाल देंगे इसे। और इसमें डाल देंगे मिल्क, मिक्स कर लेंगे इसे हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा। और इसे रख देंगे फ्रिज में। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करती हैं तो इसमें चीनी भी मिला सकती हैं, लेकिन इतना मीठा बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए, देखिए, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।